नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा आप लोगों को कि छोटे लिंक के साथ सेक्स को बेहतर कैसे बनाएं। मैंने हमेशा अपने वीडियो में यही बोला है कि साइज मैटर नहीं करता, साइज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज मैं आज भी बोलूंगी कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि दिल है के मानता नहीं, तो ऐसे लोग जिनका दिल नहीं मानता उनके लिए कुछ तो उपाय निकाला जाए कि वो छोटे लिंग के साथ भी बेहतर सेक्स कर सके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। देखो, ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि इस भ्रम में जीते हैं, इस झूठे भ्रम में जीते हैं कि हमारा साइज जो है वो तो छोटा है और हम अच्छा सेक्स, बेहतर सेक्स कैसे करें, हमारे परफॉर्मेंस में कमी रही जाएगी क्योंकि हमारा हथियार बड़ा नहीं है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपको इसी बात को सोल्यूशन देने वाली हूं कि आप छोटे लिंग के साथ भी अपने सेक्स को, मतलब कि वजाइनल पेनिट्रेशन को आनंद में कैसे बना सकते हैं। तो नंबर वन, छोटे लिंग वालों की समस्या क्या होती है आखिर, कि अंदर तक कैसे जाए, टच कैसे करे, वहां जाके हिट कैसे करे, चीखे कैसे निकलवाऊं, यही होता है ना। तो देखो, माना कि जो साइज है, जो आपके लिंग का साइज है, आपका जो हथियार है वो आपके अनुसार नहीं, लेकिन सेक्स पोजीशन तो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो हमेशा उस सेक्स पोजीशन को ही ट्राई करो जिसमें डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल हो, जैसे डॉगी स्टाइल। ये जो डॉगी स्टाइल पोजीशन होती है, इसमें डीप पेनिट्रेशन होता है किसी भी फीमेल को, चीखें निकल जाती हैं अगली की। तो हमेशा डॉगी स्टाइल पोजीशन को ही ज्यादा ट्राई करो। दूसरी सेक्स पोजीशन होती है लेग अप पोजीशन। इस पोजीशन में जो फीमेल होती है वो अपने हिप के नीचे पिल्लो रख लेती है और उसके जो लेग होते हैं वो मेल पार्टनर के कंधे पे होते हैं, मतलब पैरों को कंधों पर रख के वजाइनल पेनिट्रेशन करना। इस पोजीशन में भी डीप पेनिट्रेशन होता है किसी फीमेल को। इस पोजीशन में भी फीमेल को बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है और कुछ फीमेल को तो हल्का हल्का पेन भी होता है, लेकिन वो जो पेन होता है वो सुखद पेन होता है, मजा आता है उस पेन में उसे, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। यही तो होता है डीप पेनिट्रेशन, कि आपको पेन के साथ साथ, मतलब हल्का हल्का पेन के साथ साथ मजा भी आए। नाउ थर्ड पोजीशन इज काउगर्ल पोजीशन। ये पोजीशन भी बहुत ही प्लेजरेबल होती है, आनंद में होती है और छोटे लिंग वालों के लिए कामगार साबित होती है। इस पोजीशन को जरूर ट्राई करें। इस सेक्स पोजीशन पर तो मैंने अभी एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जो कि मैंने अपने लाइफस्टाइल चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, जो काउगर्ल पोजीशन को ट्राई करना चाहते हैं या आज तक किया नहीं है वो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपको उसका पता लगेगा कि ये पोजीशन कैसी होती है और इसमें कितना फन होता है, कितना एंजॉयमेंट होता है, लोग इसे कितना पसंद करते हैं, खासकर फीमेल इसे बहुत ही पसंद करती है। नाउ फोर्थ पोजीशन इज फेस टू फेस पोजीशन। इस पोजीशन में कोई जो मेल पार्टनर होता है वो कुर्सी पर बैठता है और अपनी फीमेल पार्टनर को अपने गोद में बिठाता है, मतलब ऊपर से बिठा के वजाइनल पेनिट्रेशन करता है। ये भी एक तरह से काउगर्ल पोजीशन की तरह ही होता है, बस वो कुर्सी पर बैठकर करता है, जबकि काउगर्ल पोजीशन में वो जो मेल पार्टनर होता है वो लेटा हुआ होता है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है फेस टू फेस पोजीशन, इसमें भी डीप पेनिट्रेशन होता है, एक फीमेल को बहुत ही मजा आता है। और दूसरी बात, क्योंकि दोनों के चेहरे आमने सामने होते हैं, फेस से एकदम नजदीक होते हैं एक दूसरे के, तो इस पोजीशन में दो लोगों का इमोशनल बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है, इसे भी आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये थी वो सारी पोजीशन जिसे ट्राई करके आप अपने छोटे लिंग के साथ भी अपनी सेक्सुअल लाइफ को प्लेजरेबल बना सकते हैं। अब है कि अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेंड नहीं है तो किसी भी सेक्स पोजीशन को आजमा लीजिए, कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर आपको अपने सेक्स को बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैं अब आपको बताने वाली हूं। तो नंबर वन, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखिए। साइज वाइज ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये चीज आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। फिर भले ही आप जो मर्जी सेक्स पोजिशन ट्राई करके देख लो, लेकिन अगर आपका माइंड जो है वो नेगेटिव है तो कोई भी सेक्स पोजिशन काम नहीं करेगी। अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे से मत करो, क्या पता वो जो बड़ा लेकर बैठा है वो बड़े वाले को क्या इंटरनल प्रॉब्लम है कि बड़ा तो है उसका साइज लेकिन करते हुए हवा निकल जाती हो, कोई बताने थोड़ी ना आ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, कितने बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं, ये बाइशेप ट्राइशेप ये वो फलाना ढिंका, लेकिन जब बात आती है ना सेक्स करने की तो चार धक्के ढंग से नहीं लगा पाते, कुत्ते की तरह हाँफने लग जाते हैं।
देखो मैं सबकी बात नहीं कर रही, अगर कोई बॉडी बिल्डर मेरी वीडियो को देख रहा है तो पर्सनली ना लेकर जाए, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं ऐसा देखा गया है, क्योंकि वो इसके पीछे रीजन क्या होता है, वो अपनी मसल्स पर काम करते हैं, अपने स्टैमिना पे काम करते ही नहीं है, जबकि स्टैमिना जो होता है वो कार्डियो से बिल्ड होता है। लगे मैं ये बना ले वो बना ले क्योंकि लड़कियों को इम्प्रेस करना है, तो बॉडी दिखा के लड़कियों को इम्प्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस की तो वहां फुस हो जाती है उनकी। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी की बॉडी छोटी है तो फिजिकली भी उस लेवल पे परफॉर्म करता होगा, ये अंदर की बातें होती है। इसलिए आप अपने आप को कम ना समझे, छोटे वाले अपने आप को कम ना समझे, और बड़े वाले जो हैं वो तो हैं। दूसरी चीज, हिप फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कीजिए, ये आपको डीप पेनिट्रेशन करने में मदद करेगा, मतलब आपके पीनस को डीपली जाने में मदद करेगा। इसके लिए आप हिप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जाके देखिए गूगल पे, ये भी मैं करके दिखाऊंगी आप। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फीमेल जिनको ऐसा लगता है कि उनका जो पार्टनर है उनका साइज छोटा है, तो गलती से भी भूल कर भी उसका मजाक ना उड़ाए, कुछ ऐसी बात ना करे कि उसको बुरा लगे, क्योंकि इससे उनके कॉन्फिडेंस को क्षति पहुंच सकती है। कुछ एक दो इंच के वजह से आप अपने रिश्ते को खराब कर देंगी। और वैसे भी खुद अपने अंदर से पूछिए, अपने दिल से, 8-8, 9-9 इंच डेली झेल सकती हैं? है दम इतना? क्या आप वैसी की वैसी रहेंगी हमेशा? फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, वर्कआउट करने के लिए तैयार है, तभी तो झेल पाओगे 8-8, 9-9 इंच। इंडिया में बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर रोज नहीं निकला जाता सड़कों पे, आसपास जाने के लिए स्कूटी ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि वो हर किसी के लिए कन्वीनियंट होती है। छोटा बड़ा साइज देखो इसमें कुछ भी नहीं रखा, मैटर ये करता है कि आप अपने साइज के साथ डील कैसे करते हो। एक जो मेल है वो अपने साइज के साथ कैसे डील करता है, और एक जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो उसके साइज के साथ कैसे डील करती है। एक औरत से पहले जरूरी है किसी मर्द का अपने साइज को लेके सेटिस्फाइड होना, उसकी बंदी को तो होना ही पड़ेगा, सेटिस्फाइड कैसे नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी औरत ने उसकी साइकोलॉजी रीड कर ली, उसके माइंड को रीड कर लिया कि भैया ये तो कम समझता है अपने आप को, फिर तो वो आपकी बजा देगी ना अगली। तो बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। तो ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन कि आप अपने छोटे लिंग के साथ भी अपने सेक्स को बेहतर कैसे बना सकते हो, उसे प्लेजरेबल कैसे बना सकते हो। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का।